नमस्कार, प्रदेश तक में आपका स्वागत है। मैं हूं इलमान खान। सिंधिया समर्थक इमरती देवी को लेकर कयासबाजी का बाजार गर्म है। सियासी हलकों में ये बात खूब दौड़ रही है कि इमरती देवी फिर से कांग्रेस का हाथ थाम सकती हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे अरुण यादव से जब इमरती के कांग्रेस में वापसी पर सवाल किया गया तो उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस में वैकेंसी नहीं है, लेकिन अरुण यादव इस बात से इनकार करते नजर आए कि वो कांग्रेस के संपर्क में नहीं है। जब अरुण यादव से सवाल किया गया कि इमरती पार्टी नेताओं के संपर्क में हैं या नहीं, तो इस पर फौरन अरुण यादव का जवाब था कि इमरती ही नहीं, कांग्रेस से बीजेपी में गए कई नेता बड़े लीडर्स के संपर्क में हैं। इमरती को कट्टर सिंधिया समर्थक माना जाता है। जब सिंधिया ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने का फैसला किया तो इमरती देवी भी उनके साथ चली आईं। चुनाव हारने के बाद भी इमरती देवी को मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम का अध्यक्ष भी बनाया गया था। बावजूद इसके इमरती देवी कांग्रेसी साये से कभी उभर ही नहीं पाई। अब जब विधानसभा चुनाव करीब हैं, तो ऐसे में सालों से बीजेपी का काम कर रहे कार्यकर्ता भी इमरती देवी की परंपरागत सीट डबरा से चुनाव लड़ना चाहते हैं। ऐसे में खुद के लिए बीजेपी से इमरती देवी को टिकट थोड़ा मुश्किल लग रहा है। हर बार सिंधिया से पूछकर अपने फैसले करने वाली इमरती के लिए इस बार रहा आसान नहीं है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आगे इमरती देवी क्या रास्ता चुनती हैं। दुनिया देश और मध्य प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्रदेश तक।